दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल ओनली फॉर यू में। दोस्तों हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम लोन किस तरीके से ले सकते हैं, होम लोन लेने का प्रोसेस क्या है, हमें उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों होम लोन की पूरी प्रोसेस के बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, आपको इसमें पूरे होम लोन का प्रोसेस समझाया जाएगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों आप हमारा वीडियो लाइक नहीं करते हो, हमारे पुराने वीडियो भी आपने देखे होंगे लेकिन आपने लाइक बटन नहीं दबाया है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ाएं, हम आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारी भरे वीडियो ज़रूर लेते आते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों होम लोन, अगर आपके दिमाग में आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे कोई नया घर खरीदना है और उस घर की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आपके दिमाग में पहला यह आएगा कि मैं बैंक से लोन लेके ये घर खरीद लूं। लेकिन दोस्तों बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको जो पहला स्टेप यह है कि आप कितना अर्निंग करते हैं, आपकी इनकम कितनी है। आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी मिलती है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो मंथली या ईयरली आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो कितना है, वो सबसे पहले आप उसके बारे में जानें, क्योंकि बैंक है वो सबसे पहले जो डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, वो आपकी मंथली इनकम या ईयरली इनकम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। दोस्तों जनरली बैंक क्या होता है, आपकी मंथली इनकम का 72 टाइम्स देता है, मतलब अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो तो उसको आप 72 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपका 7,20,000 आपका एलिजिबिलिटी होता है, मतलब आप बैंक से 7,20,000 तक लोन ले सकते हो। तो दोस्तों पहला स्टेप तो यही होता है कि मेरी इनकम के अकॉर्डिंग मैं बैंक से कितना लोन ले सकता हूँ। जब आपको ये पता चल गया कि मुझे बैंक कितना लोन दे सकती है, तो दोस्तों सेकंड स्टेप आता है कि जो आपको घर खरीदना है वो कितनी कीमत का है, क्योंकि दोस्तों हमें घर भी उसी हिसाब से खरीदना होगा जिस हिसाब से हमारी इनकम है, हम उस घर को खरीद सकते हैं या नहीं, तो इसलिए हमें भी उस घर को अपने घर की कीमत उसी हिसाब से होना चाहिए जो हमारे लोन लेने के उसमें फिट बैठे, ताकि हम लोन ले सकें और अपनी इनकम दोनों मिला के हम उस घर को परचेज कर सकें। तो दोस्तों ये पहले बात हो गई कि आपकी इनकम कितनी है, उस आधार पर बैंक कितना लोन देगा। दूसरा हो गया कि आपकी घर की कीमत क्या है क्या नहीं है, वो आपके बैंक लोन लेने में फिट बैठेगा कि नहीं, वो जब आप बैंक से लोन ले लोगे तो आप उसको परचेज कर पाओगे कि नहीं, ये दूसरा चीज़ हो गया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि आपकी इनकम क्या है, कितनी है, वो बैंक कैसे वेरीफाई करेगा। तो दोस्तों उसके 2-3 प्रूफ हैं। पहला प्रूफ तो होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वही आप बैंक में आप अगर वो दिखाओगे तो वो आपकी इनकम का प्रूफ माना जाएगा। उसमें आपको पूरे साल का इनकम दिखाना होता है कि आपने पूरे साल में कितना कमाया है, कितना आपने सरकार को टैक्स दिया है, तो वो सब उसके बेस पे बैंक आपका होम लोन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेती है। दूसरा होता है फॉर्म 16, जो लोग प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं या सरकारी कंपनियों में जॉब करते हैं, जहाँ पे भी जॉब करते हैं उनको उनकी कंपनी फॉर्म 16 देती है। साल के अंत में आपको कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मिलता है, उसमें आपने साल भर में कितना कमाया है, आपकी सैलरी कितनी है, उस सब का डिटेल उसमें दिया होता है। दूसरा प्रूफ होता है दोस्तों सैलरी स्लिप। तीसरा, आप जो सैलरी स्लिप्स मिलती हैं, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट से सैलरी स्लिप मिलती है तो आप उनको संभाल कर रखें, क्योंकि वो आपको वहाँ बैंक में दिखानी पड़ती है कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। कम से कम आपके पास लास्ट 12 महीने की सैलरी स्लिप तो होना ही चाहिए, उसके बेस पे क्या बैंक आपके इनकम का अंदाज़ा लगा सकता है कि आपको कितनी इनकम होती है। दोस्तों ये तो हो गए कि बैंक आपकी इनकम का हिसाब कैसे लगाएगी। दूसरा, आपने कर लिया कि मेरे मकान की कीमत कितनी है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, वो आपने डिसाइड कर लिया। अब आप जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप बैंक वाला आपसे एप्लीकेशन लेगा कि आप होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैंक आपसे एप्लीकेशन भरवा लेगा, उसमें आपका पूरा डिटेल आपको वहाँ देना होता है, आपकी फैमिली का, आपकी इनकम का, आपने अगर फ्यूचर में कोई लोन लिया है कुछ है, आपने जो भी सब कुछ अपना पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल आपको बैंक को देना होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। दूसरा स्टेप होगा कि दोस्तों बैंक आपका सिविल जनरेट करेगी,
आपने जो अपने पैन कार्ड के आधार पर आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा, अगर आपका सिविल स्कोर, अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया है तो -1 दिखाएगा, तो आपको बैंक लोन देगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी लोन लिया है और आपने लोन लिया है और उसको अगर सही से भरपाई नहीं किया है तो दोस्तों आपका सिविल स्कोर बेकार आएगा, उसका जो स्कोर है वो 400, 500, 600 की रेंज में आएगा, तो आपको बैंक लोन देने से मना कर देगा। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें, अगर आपने कोई भी लोन लिया है और अगर लोन नहीं चुकाया है तो आप होम लोन लेने से पहले उस लोन को क्लियर करें और उसके 2-3 महीने के बाद ही आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएं और आप अपना प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें कि आपने पुराना लोन किस कारण से नहीं भरा था। लेकिन दोस्तों ये पूरा बैंक का विवेक अधिकार है कि वो आपको लोन को रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपका सिविल भी ठीक है, आपने एप्लीकेशन भर दिया, तो बैंक अगले प्रोसेस पे बढ़ती है। उसके बाद बैंक आपका प्री इंस्पेक्शन करवाता है। प्री इंस्पेक्शन में कोई भी बैंक का अधिकारी ही आपके घर पे आएगा, वो आपके घर का इंस्पेक्शन करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। वो एक फॉर्मेलिटी होती है दोस्तों, वो बैंक के ऑफिशियल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो एक पार्ट प्रोसेस का हिस्सा है, इसलिए बैंक अपनी तरफ से प्री इंस्पेक्शन करती है। बैंक अधिकारी को अगर प्री इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ संतुष्ट है तो वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों उसके बाद आता है कि बैंक आपसे सेल एग्रीमेंट मांगेगा, क्योंकि आप जिसका भी घर खरीदना चाहते हैं, आप किसी बिल्डर से घर खरीद रहे हैं या आप किसी दूसरे पर्सन का घर खरीद रहे हैं, तो आप दोनों के बीच एक सेल एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई मैं आपको मेरा घर इतने रुपए में बेच रहा हूँ, दैट इज सेल एग्रीमेंट। तो आपको बैंक सेल एग्रीमेंट का कॉपी मांगेगा कि आप उस पर्सन से कितने में घर खरीद रहे हैं। दोस्तों सेल एग्रीमेंट में जो अमाउंट है उस पे भी बैंक का लोन अमाउंट डिपेंड करता है। सपोज डेट अगर आप दूसरे पर्सन से 10 लाख रुपए में घर खरीद रहे हैं और आपने एग्रीमेंट में 10 लाख रुपए लिखवा रखा है, तब तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो बैंक आपको उस एग्रीमेंट के हिसाब से लोन देने वाला है। सपोज डेट लेकिन जनरली होता है क्या है दोस्तों, जो सामने वाला बेच रहा होता है वो अपना टैक्स बचाने के लिए आपको मकान तो बेचेगा 20 लाख में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में दिखाएगा 10 लाख। तो दोस्तों मैं सलाह देता हूँ कि ऐसे बिल्डरों से या ऐसे जो मकान बेचते हैं उनसे आप घर ना खरीदें, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कैश मनी नहीं है या आपके पास इतनी सेविंग नहीं है, तो आप उस घर का पेमेंट कैसे करोगे आप? क्योंकि बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक तो आपको सिर्फ 10 लाख के हिसाब से लोन देगा, जबकि आप मकान खरीद रहे हो 20 लाख में, तो वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद सब कुछ हो गया, आपने सेल एग्रीमेंट भी बैंक को दे दिया, उसके बाद होता है कि बैंक आपका लोन सेंक्शन कर देगा। बैंक को सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री लगा, बैंक आपका लोन सेंक्शन कर देगा। बैंक जनरली देता है, बैंक प्रॉपर्टी का 90%, जो प्रॉपर्टी वैल्यू होती है उसका 90% देता है। और सपोज दैट दोस्तों आप किस इनकम के आधार पर कितना लोन बनता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से कितना लोन बनता है, तो जो दोनों में से जो लोन का अमाउंट कम होगा दोस्तों वही बैंक आपको सेंक्शन करती है। और दोस्तों बैंक लोन सेंक्शन करने के बाद आपको एक सेंक्शन लेटर देती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको बैंक ने कितना लोन दिया है, किस रेट पे लोन दिया है, आपका ईएमआई कितना आएगा, सब कुछ उसमें डिस्क्राइब किया होता है, आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। अब दोस्तों एक इसमें होम लोन में एज फैक्टर भी काम करता है। आप जब ईएमआई अपना कितना ईएमआई में आप अपना होम लोन पेमेंट करोगे, आपकी एज कितनी है उस हिसाब से ही आपकी ईएमआई भी बनेगी। सपोज डेट आज आप 50 वर्ष के हैं तो बैंक मुश्किल से 60 वर्ष तक की एज तक की आपकी ईएमआई बनाएगी, ताकि आपका 60 वर्ष के आप जब हो जाए तब तक आपका होम लोन कंप्लीट हो जाए, उसका पूरा पैसा बैंक को मिल जाए। तो दोस्तों आपकी 10 साल की ईएमआई बनेगी। आज आप 50 साल के हैं, 60 साल तक लोन पूरा करना है, तो बैंक आपको सिर्फ 10 साल का ईएमआई बनाएगी। तो दोस्तों जितनी कम उम्र आपकी होगी उतना अच्छा आपको फ़ायदा है, आप लंबे टाइम तक उसका रिपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम बैंक आपको 20 या 25 साल से ज़्यादा का रिपेमेंट पीरियड नहीं बनाती है, 20 या 25 से ज़्यादा का नहीं बनाती है। लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा का आप रिपेमेंट पीरियड बनाएंगे, जितने ज़्यादा साल तक आप लोन को चुकता करेंगे, उतना ही ज़्यादा ब्याज आपको बैंक को भी देना पड़ेगा। तो लेकिन दोस्तों वो सब अपनी इनकम को देखते हुए होता है। बैंक आपकी इनकम का
40-60% हिस्सा ही बैंक ईएमआई में ले सकती है। सपोज दैट आप 10,000 रुपये कमाते हो तो उसमें से 4,000 रुपये तो आपको अपनी फैमिली के लिए, खाने पीने के लिए, अपने घर खर्च के रखने पड़ेंगे, बाकी के जो 6,000 रुपये हैं वो आप ईएमआई में भर सकते हो। तो दोस्तों ये सब फैक्टर होता है जिसके आधार पर बैंक आपका ईएमआई डिसाइड करता है। दोस्तों उसके बाद आता है आपका लोन हो गया, आपको अब सामने वाली पार्टी को आपको पैसा देना है तो बैंक आपको उसमें डिमांड ड्राफ्ट बना के देगी। आप उस डिमांड ड्राफ्ट का जेरोक्स जिस भी पार्टी से या जिस भी बिल्डर से आप घर खरीदना चाहते हैं उसको दिखाएंगे और उसको कहेंगे कि मेरा लोन बैंक से सेंक्शन हो गया है, अब आप मुझे आपकी जो घर है उसके जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के वो आप मेरे नाम कर दीजिए। तो दोस्तों ये अपने भारत में कानून है कि वो सामने वाली पार्टी बैंक के चेक के बेस पे अपने जो मकान के दस्तावेज है वो आपके नाम कर सकती है। जब मकान के दस्तावेज आपके नाम पर हो जाएंगे तब बैंक उसको ओरिजिनल चेक दे देगा, सामने वाले जिससे भी आप मकान खरीद रहे हैं उसको उसका पूरा पेमेंट चेक के द्वारा, ओरिजिनल चेक के द्वारा कर देगा। तो दोस्तों इस तरह वो मकान आपके नाम पर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो मकान आपके नाम पे हो गया, उसका डॉक्यूमेंट जो सेल डीड होता है वो आपके पास आ गया, अब बैंक को उस सेल डीड को आपको बैंक के पास रखना पड़ता है और उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉर्गेज प्रोसेस कि दोस्तों, क्योंकि वो मॉर्गेज प्रोसेस ये होता है कि जो वो मकान आपने अपने नाम पे हो चुका है उसको भी हमें टेम्पररी रूप से बैंक के नाम कराना होता है, क्योंकि जब तक हम बैंक का पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे तब तक उस मकान का मालिक बैंक हो जाता है। और अगर हमने भविष्य में अपने बैंक का पैसा नहीं चुकाया तो बैंक अपने उस मकान को जब्त करके उसको सेल कर सकता है और अपना पूरा पैसा वसूल सकता है। तो दोस्तों उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉर्गेज प्रोसेस। तो आपसे बैंक मॉर्गेज करवाएगा, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास रहेगा और जब आप लोन चुकता कर दोगे तो बैंक आपको डॉक्यूमेंट वापस कर देगा। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस था कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि किस तरीके से आप बैंक से लोन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। और अगर आपके मन में और भी कई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल में कोई और वीडियो चाहिए होम लोन पर तो वो आप हमको बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपका प्यार हमारे लिए यूँ ही बना रहे। दोस्तों धन्यवाद।